रहेगा वो रहेगा RBCs और WBCs पर, ठीक है। RBCs और WBCs पर रहेगा कि RBCs आपने पढ़ी होगी, RBCs का काउंट क्या होता है, WBCs का काउंट क्या होता है। अब आज जो हमारा प्रैक्टिकल है वो हम आज हम देखेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखेंगे कि RBCs और WBCs इनका साइज, इनका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमें पहले पता होना चाहिए जो RBCs होते हैं, RBCs जो होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट द मेन फंक्शन ऑफ RBCs इज टू कैरी द ऑक्सीजन। मेन फंक्शन जो है RBCs की, ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन। कहां से ऑक्सीजन ये कैरी करते हैं? फ्रॉम लंग्स टू अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। लंग्स से ये ऑक्सीजन ले जाते हैं, हर किसी बॉडी पार्ट में ये ऑक्सीजन ले जाते हैं। ये हो गई एक फंक्शन। अब अगर हम देखेंगे दूसरा फंक्शन जो है इसका, जब ये RBCs जो है ऑल्सो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वेस्ट। जो RBCs होते हैं ये वेस्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं, वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम इनहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे बॉडी में चला जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो ये उसको एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं ये लंग्स तक वापस ले जाते हैं, फिर हम एक्सहेल करते हैं उसको बाहर निकालने के लिए। और इतना ही नहीं, RBCs कैरीज ऑक्सीजन ड्यू टू द प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। RBCs का कलर जो होता है वो होता है रेड, होता है ना रेड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो इसी तरह जो है, इसी तरह हम कहते हैं RBCs कैरी ऑक्सीजन ड्यू टू अ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। और अब अगर हम देखेंगे इनका काउंट क्या होता है, इनका काउंट क्या होता है, RBCs का काउंट क्या होता है, इनका काउंट होता है 4.5 to 5.65 मिलियन। कितना होता है इसका, RBCs का काउंट अगर हम देखेंगे, RBCs का काउंट होता है 4.35 to 5.65 मिलियन पर क्यूबिक लीटर, माइक्रोलीटर, ठीक है। तो इनका काउंट जो होता है RBCs का, वो बहुत ज्यादा होता है, RBCs का काउंट ज्यादा होता है बॉडी में। तो अब अगर हम देखेंगे कि वुमेनिज में यही काउंट जो है वो पाया जाता है 3.92 to 5.30, इनमें कम होता है RBCs का काउंट जो है, वुमेन्स में कम पाया जाता है। और मेल्स जो होते हैं, जो एडल्ट मेल जो होते हैं, उनमें RBCs का काउंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। नाउ इसी तरह जो WBCs होते हैं, इन RBCs को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, थ्रोम्बोस एरिथ्रोसाइट्स, क्या बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, क्या बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, इनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं RBCs को। नाउ अब अगर हम देखेंगे WBCs, WBCs का काम क्या होता है, ये फ्लो होते हैं ब्लड स्ट्रीम्स में, क्या होते हैं ब्लड स्ट्रीम्स में। जैसे कि आपको इस तरह से याद रहेगा, ये फोज का काम करती है, कौन, WBCs जो है ये फोज का काम करती है। दे फ्लो थ्रू आवर ब्लड स्ट्रीम्स टू फाइट बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन इन्वेडर्स दैट आर थ्रेटनिंग टू आवर हेल्थ। ये और WBCs जो है ये ब्लड स्ट्रीम्स में से फ्लो होती है और ये एक्ट करती है, जैसे कि फोज लड़ रहा होता है उसी तरह ये भी लड़ रहे हैं, किन के साथ, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं या फॉरिनर्स जो होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, ये फाइट करते हैं, उनके साथ फाइट करते हैं। और इतना ही नहीं, व्हेन योर बॉडी इज डिस्ट्रेस एट पर्टिकुलर एरिया इज अटैक्ड, जब आपकी बॉडी डिस्ट्रेस होती है या कोई बॉडी का कोई पार्ट जिस पे अटैक होता है, हो गया होगा, अटैक कौन कर रहा है उसको, जो फॉरिनर्स होते हैं या इन्वेडर्स जिनको हम कहते हैं, या बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, जब ये किसी बॉडी पार्ट पे क्या करते हैं, जब ये हमला करते हैं उस चीज पे, तो ये WBCs जो होते हैं ये जल्दी वहां पे जाते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि WBCs जो है, WBCs कहां पे बनते हैं, ये बोन मैरो से बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, कहां पे बनते हैं, बोन मैरो जानते हो ना आप, बोन्स में होते हैं ना बोन मैरो, तो ये वहीं से बनते हैं। और इनका काउंट जो होता है वो कम ही होता है, 4,500 to 11,000 per million liter, ठीक है। इनको हम दूसरा नाम भी देते हैं, इनका दूसरा नाम भी है लीकोसाइट्स, कहते हैं लीकोसाइट्स। और इनके अलावा अगर WBCs हमने पढ़े हैं, WBCs का फंक्शन क्या होता है, RBCs का फंक्शन क्या होता है, इसके अलावा होते हैं प्लेटलेट्स। अगर आप देखेंगे ये प्लेटलेट्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है, जब भी किसी जगह पे इंजरी होती है तो
एरिथ्रोसाइटिस जो होते हैं, ये प्लेटलेट्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कुलाट करते हैं उस चीज़ को, उस जगह पे जाते हैं, उस टारगेट साइट पे जाते हैं जहाँ पे ये इंजरी लगी हुई होती है, उसको ये क्या करते हैं, कुलाटिंग करते हैं। ब्लीडिंग जो होती है, ब्लीडिंग जो होती है वो आफ्टर सम टाइम आप देखते हैं, अगर किसी जगह पे इंजरी होती है तो वहाँ पे क्या होता है, फिर आफ्टर सम टाइम वहाँ पे वो ब्लड कुलाट होता है, कुलाट होता है, तो वो काम होता है प्लेटलेट्स का, इस्तेमाल होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट इनका काम होता है। जैसे कि हमें पता है कौन करता है, विटामिन के जो होता है वो, इसको हम हेपायरिन भी कहते हैं, विटामिन के जो है हेपायरिन जिसको हम कहते हैं, यही क्लॉटिंग में मदद देता है, क्लॉटिंग में यही मदद देता है। तो आज जो हम प्रैक्टिकल देखेंगे उसमें हम आरबीसीज देखेंगे और रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स तो वो हम देखेंगे अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर। अब आप आ जाइए यहां पर, देखिए सर ये है, इसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या चाहिए, पहला तो है इंस्ट्रूमेंट हमें क्या चाहिए, पहले तो माइक्रोस्कोप ज़रूरी होना चाहिए, डाइसेक्शन बॉक्स ज़रूरी होना चाहिए, डाइसेक्शन बॉक्स है, ठीक है, और इसमें एक स्लाइड हमें चाहिए, ठीक है, स्लाइड इसमें है, ठीक, और टिश्यू पेपर, इससे हम इसको साफ करते हैं सो दैट जो फिंगर प्रिंट्स है वो इस पर नहीं लगनी चाहिए, ठीक, और स्लाइड भी है, ये कवर स्लिप है, हाँ कवर स्लिप अगर हम रखेंगे ठीक है, ना रखेंगे कोई टेंशन नहीं, ठीक है, और ग्लिसरीन का भी यूज़ कर सकते हैं हम, वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, वो क्यों करेंगे हम, वाटर का यूज़ हम क्यों करेंगे यहाँ पे, जो ये ब्लड होता है ना ये कुलाट होता है जल्दी से, ठीक है, ये जम जाता है, तो फिर अगर हम इसके अंडर उसको देखेंगे तो वो साफ नहीं आएगा, इसलिए ब्लड जो होता है, ब्लड को हम थोड़ा वाटर ड्रॉप करते हैं या ग्लिसरीन से, जिससे वो मॉइस्चर रहता है, उसकी वजह से क्या होता है बेटा, वो कुलाट जल्दी से नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ब्लड डोनर कौन बनेगा यहाँ पे, आज ब्लड चाहिए है? जिसकी मोटी उंगलियां होंगी, मैंने सर, देखो देखो मुझे चाहिए स्लाइड, स्लाइड तो मैंने यहां पे लिया है, ठीक है, ये है स्लाइड, हाँ, तो बेटा हमें क्या चाहिए, ये ब्लड थोड़ा सा चाहिए हमें, इसको नहीं लगेगा, ये उतना नहीं है, इतना सा ब्लड चाहिए हमें, ज़्यादा नहीं, तो इसको हमने स्लाइड पे रखा है, ये देखिए आप, स्लाइड पे मैंने रखा है इसको, ठीक, अब हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, बहुत छोटा आ रहा है इसमें, थोड़ा सा, एक मिनट आप तब तक देखो, सबसे ज्यादा क्या है इसमें, क्या देखा है इसमें, सबसे ज्यादा जो नजर आ रहा है आपको, हाँ आरबीसीज, हाँ RBCs में, क्योंकि RBCs का कलर जो होता है वो वाइट होता है, सब वाइट रेड होता है ना, ठीक है, हैं, इस पे डाल दो, बस इतना सा चाहिए, हाँ बस, हाँ एक एक करके आ जाओ, अब देखो आप यहाँ इसमें माइक्रोस्कोप में, अब देखियो एक एक करके देखो सभी,
कुछ नहीं देखा, जरा देखो, देखा कि क्या देखा? सबसे ज्यादा क्या है इसमें? आरबीसी है कलर उनका। आजा आजा, आप थोड़ा साइड में रहो, इनको आने दो, एक एक करके आ जाओ यहाँ पे, एक एक करके लिए। आजा आजा बेटा आराम से, देखो यहाँ पे आवाज नहीं करोगे शोर के बगैर। वेट वेट वेट, इसको क्या देखा आपने इसमें? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। तो सबसे ज्यादा काउंट किसका था? आरबीसी का। आरबीसी किस कलर के थे? रेड के। चलो बेटा, हाँ आप जाइए। थोड़ा क्या देखा आपने इसमें? डब्ल्यूबीसी कम ही है ना? आरबीसी का ज्यादा है। आरबीसी ज्यादा है ना? थोड़ा क्रिस आप एक्सप्लेन करो, क्या थे आरबीसी, क्या समझा आपने यहाँ तक? आरबीसी का फंक्शन क्या होता है और डब्ल्यूबीसी का? हाँ थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। इस ब्लड में जो ब्लड का सैंपल है, इस ब्लड में बोलते हैं डॉट लाइक स्ट्रक्चर, जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है वो वाइट 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 कलर का है, और इसमें अमाउंट ऑफ रेड कलर, जिसको हम लोग जो ब्लड है वो रेड कलर होता है होमोग्लोबिन के कारण। और हम लोग का जो डब्ल्यू बी सी जिसे वाइट ब्लड सेल कहते हैं, जो वाइट डॉट स्ट्रक्चर है उसको हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं, और जो रेड ब्लड सेल है उसको इंथ्रोसाइट कहते हैं। और हम लोग उसने देखा कि जो हम लोग का क्या बोलते हैं उसको रेड ब्लड सेल था वो 4.35 मिलियन से लेके 5.65 मिलियन तक हम लोग का रेड ब्लड सेल था, और जो डब्ल्यूबीसी था हम लोग का 45,000 से 11,000 पर मिलियन, जो किसमें था? लीटर में था, लीटर में हम लोग का ब्लड था, माइक्रोलीटर। और जो डब्ल्यूबीसी है वो हेल्प करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हर ऑर्गन के पास। यस यस, वेरी गुड। तो जरा आप आ जाओ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, ये कौन करेगा आप में से? आप करो, बोलो नहीं यहां पर। जो बात देखेंगे इसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है, तो आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, जिसमें एक पिगमेंट देता है रेड कलर का, इससे आरबीसी रेड होता है। और हमारे बॉडी में ज्यादातर आरबीसी होता है जो कि जो लंग से ऑक्सीजन पूरे बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है। और जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका वर्क होता है कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी बैक्टीरिया है फिर वायरस आए उनको वो किल करता है। और इसके अलावा जो हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग बॉडी में ज्यादातर होता है जो आरबीसी होता है, आरबीसी का 4.35 से 5.65 मिलियन तक होता है, और डब्ल्यूबीसी 4.35 पर बेटा, जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ पे जो
हमारा जो प्रैक्टिकल रहा था वो आज हमें देखना था कि आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज इससे पहले कि आपको समझाया है कि आरबीसीज क्या होती है, डब्ल्यूबीसीज क्या होती है। जो हमारे बॉडी में दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज, तो आरबीसीज का काउंट डब्ल्यूबीसीज से बहुत ज़्यादा होता है। आरबीसीज का काउंट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डब्ल्यूबीसीज। बट आरबीसीज जो है, आरबीसीज का काम क्या होता है, आरबीसीज का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन कहाँ से, लंग्स से लेकर अदर बॉडी पार्ट्स तक इनको ये क्या करना होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। और इतना ही नहीं बल्कि जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ये ऑक्सीजन, ये उसको क्या करते हैं, ये जो वेस्ट जो हमारी बॉडी में बनता है, वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है, क्योंकि हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, खाली ऑक्सीजन तो नहीं जाता है, या हम फूड जो है हम क्या करते हैं, फूड खाते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, आरबीसीज का काम होता है ये वापस लंग्स तक ले जाना, जब ये लंग्स तक वापस आ जाता है फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक्सहेल करते हैं, ये वह कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी से बाहर जाता है। ठीक हो गया ये। और इतना ही नहीं बल्कि अगर हम देखेंगे आरबीसीज जो है, आरबीसीज में एक प्रोटीन होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण जो है ये रेड ब्लड सेल्स जो है ये क्या होते हैं, रेड होते हैं। ठीक है, ये रेड होते हैं। और इनका काउंट अगर हम देखेंगे, आरबीसीज का काउंट होता है 4.35 to 5.6 मिलियन, 6 मिलियन होता है इनका। और अब अगर हम देखेंगे ये एडल्ट्स में होता है, ठीक है, ये वैरी भी होता है, ठीक है, बच्चों में ज़्यादा कम होता है उसके ज़्यादा, जितना एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट जब हो जाता है ये एडल्ट का काउंट हम देखते हैं, तो ये होता है 4.35 to 5.6 मिलियन। अब अगर हम यही काउंट देखेंगे इन वुमेन्स में कम पाया जाता है, क्योंकि आपको पता ही होगा वुमेन्स में कम क्यों पाया जाता है, तो आपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में सुना होगा ना, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये कम हो जाता है उनमें 3.92 और 5.13 ये मिलियन होते हैं उनमें से। अब अगर हम देखेंगे WBCs के बारे में, जो WBCs होते हैं इनका काम क्या होता है, ये जैसे कि फौज काम करता है वैसे भी ये भी काम करते हैं। ये ब्लड स्ट्रीम्स में फ्लो हो जाते हैं, क्या होते हैं, ब्लड स्ट्रीम्स में फ्लो हो जाते हैं। जब ये ब्लड स्ट्रीम्स में फ्लो होते हैं तो फिर क्या करते हैं, अगर किसी बॉडी पार्ट पे कोई फॉरेन बॉडी एंटर हो गई है, जैसे कि अगर कोई बॉडी एंटर हो गई है इसमें, बॉडी में अगर कोई, जब हमें कुछ किसी चीज से लग जाता है यहां पे, तो जल्दी से सिग्नल्स पहुंच जाती है ब्रेन तक, कहीं जगह पे लग गया है, हाँ, तो ये आरबीसीज वहां पे क्या करते हैं, अगर कोई फॉरेन बॉडी यहां पे एंटर हो गई हमारी बॉडी में, ये जल्दी से वहां पे जाते हैं। जैसे कि हम मेडिसिन खाते हैं ना, मेडिसिन खाते हैं तो हमारी बॉडी में फॉरेन बॉडी चली जाती है, हम मेडिसिन खाते हैं तो उसको किल करते हैं वहां पे। उसी तरह ये WBCs जो है ये किल करते हैं उस फॉरेन बॉडी को, डिस्ट्रॉय करते हैं। या इतना ही नहीं, व्हेन योर बॉडी इज डिस्ट्रेस अ पर्टिकुलर एरिया इज अटैक्ड, WBCs रश टू डिस्ट्रॉय, WBCs वहां पे जल्दी से जाते हैं और उस चीज को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो WBCs का काउंट जो होता है वो कम होता है। अब अगर हम देखेंगे WBCs का काउंट अगर कम होता है तो कितना होता है सर, 4500 से 11000 तक इनका काउंट होता है। और यही ये WBCs कहां पे बनते हैं, ये बनते हैं बोन मैरो में। कहां पे बनते हैं? और जब हमने इसके लिए ये स्लाइड बनाया है, जो स्लाइड हमने टेम्प्रेरी स्लाइड बनाया था, हमने ब्लड का टेम्प्रेरी स्लाइड जो हमने बनाया था, इसके लिए हमें अपराइट्स की क्या ज़रूरत पड़ी है, इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन सा चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए माइक्रोस्कोप यहाँ पे, तो माइक्रोस्कोप लिया है हमने, और एक स्लाइड प्लेन स्लाइड चाहिए हमें, ये प्लेन स्लाइड, और हमें डायसेक्शन बॉक्स चाहिए यहाँ पे, फिल्टर पेपर चाहिए, ये ज़रूरी नहीं था ये ले जाना, तो ये टिश्यू फिल्टर पेपर हम इसको साफ करने के लिए मैंने ये लिया है, ठीक है, डायसेक्शन बॉक्स, और एक ब्लड सैंपल लिया है हमने। और जब हमने स्टडी किया है उसको माइक्रोस्कोप के अंदर, बराबर हमने देखा है कि जो आरबीसीज है उनका काउंट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू डब्ल्यूबीसीज के, और इनका स्ट्रक्चर जो है वो डब्ल्यूबीसीज का स्ट्रक्चर जो बड़ा आ गया है इसमें, और इनका छोटा साइज इसमें से आ जा आरबीसीज का छोटा। और इसके अलावा प्लेटलेट्स भी होते हैं, उनका अलग फंक्शन होता है, प्लेटलेट्स का अलग फंक्शन होता है, जैसे कि प्लेटलेट्स जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करते हैं ना, उनका अलग अलग सा फंक्शन होता है। ये प्रैक्टिकल आपको समझ आ गया है। अब आपको यही प्रैक्टिकल आप नोटबुक पे लिखना है, तो वो मैं समझाऊंगा किस तरह से लिखना है। ओके सर, हाँ, बस सर कीजिए अब बंद। उसमें बुलेट तो नहीं आ रहा है अभी, यहाँ पे था ये, अब ये करना है सर, इनको लिखना है अभी। टाइम कितना है अभी? हाँ बंद कर दे सर, टाइम कितना है? हाँ वो हम लिखेंगे ना, क्या है ये, नहीं हो जाएगा, नहीं दिखेगा, एक मिनट जरा ये साइड में रहो,
साइड में रहो सर। ये क्लॉट हो गया है ना, इसमें आ रहा है डब्ल्यू बी सी जी खाली डब्ल्यू बी सी जी। हाँ हाँ किस पे जरा हाँ आ रहा है। हाँ ये जो रेड आप देख रहे हो ये है आर बी सी और वो क्या है वाइट वाला डब्ल्यू बी सी है। सबसे ज़्यादा इसमें क्या है बेटा आर बी सी है। हाँ आर बी सी है। नहीं प्लेटलेट्स में नहीं दिखाई देगा, प्लेटलेट्स प्लाज्मा की तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। हाँ प्लेटलेट्स जो है ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक तो आज अपना आप लिखोगे, इससे पहले कोई प्रैक्टिकल था जो इनकम्प्लीट रह गया था? इलेक्ट्रिसिटी वाला। कौन सा?